ये बढ़िया बात निकालें, इनको थोड़ा समझ। ये सुनिए, ये बहुत अच्छी बात कहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी के पास चले तो कह देंगे 2014 में भारत आजाद हुआ। इनको ये थोड़ा कलाकार टाइप आदमी लग रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, इसके पीछे कुछ तथ्य है, कुछ अनुभव है, कुछ ज्ञान मिला है। ये कहाँ से ज्ञान मिला थोड़ा बताया जाए। हमें यहाँ से मिला है कि जब से भाजपा की सरकार आई है 2014-26 मई से, उस दिनों से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 2014 पहले देश में कुछ भी नहीं हुआ था, न ट्रेन थी, न हवाई जहाज था, न स्कूल था, न कॉलेज था, न नेता बने थे, न कलेक्टर बने, कुछ नहीं बने थे। इनका कहना होता है व्हाट्सएप में 2014 से ही देश आजाद हुआ हमारे तरीके से, ये भाजपा लोग कहना है। तो मेरा कहना है कि इनका बस चले तो 26 मई 2014 का हमारे देश का आजादी का दिन बता दे। ज्ञान ज्ञान ठीक है, बोलिए अपनी बात। देखिए, ये अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे, मैं LLM का छात्र रहा हूँ, LLM की पढ़ाई की है मैंने। ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, और ये बोल रहे हैं कि कॉलेज में केवल पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई हो। आप ये बताइए, ये जो नेता बन के आते हैं, ये डायरेक्ट क्या स्कूल से क्या चुनाव लड़ लेंगे क्या? जब तक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में बच्चे अपनी बात नहीं रखेंगे तो देश क्या चलाएंगे? ये नरेंद्र मोदी जी को ही फॉलो करते हैं जो सीधा 10वीं से लेकर के प्रधान मुख्यमंत्री। बोलिए, फिर उधर जाऊं। देखिए, अभी हमारे प्रातःशी बोर्ड नक्सलवाद की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गिल साहब को यहाँ भेजा गया नक्सलवाद खत्म करने के लिए, तो रमन सिंह ने बोला कि आप सैलरी लो, मौज करो। वो नक्सलवाद की परिभाषा बताएंगे छत्तीसगढ़ में। और इनको जिस प्रदेश में सरकार नहीं बनती, EDIT को भेज के इनको दबाव बना के आज भूपेश सरकार बहुत शानदार कार्य कर रही है। आ रहा हूँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। लोग रामचरितमानस पे बहुत बहस करते हैं, इनके कुछ लोग कहते हैं कि हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं। तो हाँ, चौपाई याद करके आए क्या? सुन लीजिए, याद किए हैं क्या? मेरा जल्दी से पढ़ लीजिए, आए हैं तो। मेरा देश संविधान से चलेगा। हाँ। मेरे लिए संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और ये लोग रामचरितमानस को राष्ट्र, देखिए सुनिए, रामचरितमानस को, अरे मेरी बात तो सुन, मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्ला सोनी है, कांग्रेस। लल्ला सोनी जी, सुनिए, अभी यूनिवर्सिटी की बहस हो रही है, अब आप संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ कह दिए, अब इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। झगड़ा मत करवाइए यार, जो मुद्दा है उस पे बात करिए। हाँ बताइए, आ रहा हूँ। ये कांग्रेस की सरकार है, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी जो आपातकाल लगाई देश में। मोदी जी ने तो अभी डॉक्यूमेंट्री बैन की है, मोदी जी को छवि खराब करने के लिए लोग डॉक्यूमेंट्री पे चालू करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। और यही कांग्रेस सरकार जो देश में आपातकाल लगाकर देश को प्रताड़ित किया यहाँ पे जनता को, और ये आज बात कर रहे हैं संविधान की बात। छात्रों को छूट मिली थी आपातकाल में, छात्रों की बात मानी जाती थी आपातकाल में, किसी छात्र के जो छात्र आंदोलन हुआ उसी से आपातकाल हटा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।